ये लो पानी पी लो, कितना मस्त झरना है यार वहाँ पे, और पानी भी कितना मीठा है। हाँ ये पानी तो सच में बहुत मीठा है। इनफैक्ट ये जगह भी कितनी खूबसूरत है ना, आई मीन इतनी हरियाली, ये खुला आसमान, इट्स सो ब्यूटीफुल। आई नो बट कितनी डरावनी है यार ये जगह, एकदम शांत सुनसान, दूर दूर तक किसी आदमी का नामो निशान तक नहीं है। सिर्फ डरावनी नहीं, इस जगह की एक डरावनी कहानी भी है। कैसी कहानी? कुछ साल पहले यहीं कहीं एक औरत का खून हो गया था, उसकी लाश मिली थी यहाँ पे। तो क्या हो गया, इसमें कौन सी डरने वाली बात है? ऐसा हुआ है कि आसपास के गांव वाले कहते हैं कि इस औरत की आत्मा आज भी यहीं है, और वो इसी इलाके में मंडराती हुई डरावना गाना भी गाती है। और जिसने भी उस औरत की आत्मा को देखा ना, वो कभी जिंदा नहीं बचा। अमन अगर तुम्हें इसके बारे में पता था तो हमें यहाँ पे क्यों लेके आए, कोई दूसरी जगह ले जाते ना। राइट गाइस, अब हम लोग यहाँ पे एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। हाँ। अभी के अभी चलो यहाँ से, हो गई पिकनिक, चलो। अरे रिलैक्स अलीशा, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो तुम्हें बस चिढ़ा रहे थे। हाँ नया, हम तो बस ऐसे कहानी बना रहे थे तुम लोगों को डराने के लिए। दिस इज जस्ट नॉट डन, मतलब ऐसा मजाक कोई करता है क्या? हो गए तुम लोग खुश, डरा लिया, हम लोग यहाँ एंजॉय करने आए हैं ना यार। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है गलती हो गई हमसे। ओके चलो अब चलते हैं यार, चलो सब आराम करते हैं। तुम दोनों आराम करो, हम टहल के आते हैं। लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। हाँ हाँ, आसपास ही रहना और थोड़ा ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ ओके बाय। चलना नेहा, नेहा रुक, तू क्या बताने वाली थी? मैं बताऊंगी, रुक आगे आगे बता, चलना। बताने वाली थी मैं तुझे, बहुत ही पार्सल आया? सर ऐसा क्या इस पार्सल में जो फ्रेडी सर चुपचाप एक कोने में लेके जा रहे हैं? देखते हैं। ए फ्रेडी, क्या है, क्या ये क्या छुपा के लेके जा रहे हो? कुछ नहीं सर, बस ऐसी। अरे ऐसे कैसे चुप चुप के कहाँ लेके जा रहे हो उसे, बताओ तो सही, क्या है क्या उसमें? मत देखिए सर, देखने लायक कुछ नहीं है। देखने लायक नहीं है? तो फिर हम जरूर देखेंगे। पूर्वी जाओ उधर देखो। सर नहीं पूर्वी, प्लीज पूर्वी। अरे सर अरे कुछ नहीं है सर, अभी पता चलेगा। दीवाली पटाखे। ओ हो फ्रेडी, अरे वाह क्या बात है, इतनी सारी सब्जियां,
टमाटर, गाजर, गोभी, करेला भी है, लो प्याज, ककड़ी, अरे है क्या ये? कहीं बावर्ची की नौकरी पकड़ ली है क्या? क्या सर, आप सीआईडी छोड़ने वाले हो? अरे क्या बताऊं, दो दिन से वाइफ बोल रही है भाजी लाने को, मगर काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती। घर जाते जाते इतनी देर हो जाती है कि सारी दुकानें बंद हो जाती है। काम की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती, दो दिन भूखे हो, खाना नहीं मिला दो दिन से? हाँ मिला था, मगर बिना सब्जी के। आज तो वाइफ ने मुझे धमकी दे डाली, अगर मैं भाजी लेकर घर पे नहीं गया तो वो मेरे लिए दरवाजा नहीं खोलेगी, इसलिए अभी मंगवा ली मैंने। सर हम ये सारी सब्जियां ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अरे क्या बात कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं था, अब मैं वाइफ को बोल दूंगा वो मंगवा लेगी। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है क्या? वसई फोर्ट, क्या कर दिया तुम लोगों ने, कहां गायब कर दिया हमारे बच्चे को, बताओ कहां है नेहा? आंटी हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हम लोग तो खुद हैरान हैं। हैरान वैरान होने से कुछ नहीं चलेगा, तुम दोनों किस जिम्मेदारी पे भेजा था अलीशा को, कहां है वो बताओ। क्या बताएं अंकल, ये बात तो मैं खुद पता नहीं। ये बताओ कि हुआ क्या, कैसे गायब हुई ये दोनों लड़कियां? सर ये भी नहीं पता हमको, मैं रोहित टेंट में रेस्ट करने के लिए गए थे, उसके बाद अलीशा और नेहा वॉक के लिए निकल गए, फिर वापस लौटी ही नहीं। नहीं मैं नहीं मानता इन बातों को, सर ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो याद रखना तुम दोनों, छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। विशाल जी प्लीज शांत हो जाइए, हम लोग आए हैं तो हमें बात करने दीजिए। नहीं सर, सब गलती है इस लता की, बेटी को माँ संभालेगी या बाप? सर अलीशा जो भी चाह, ये औरत उसकी सभी बातों को मानती थी। विशाल ये सब यहाँ बोलना जरूरी है, घर में इतना खरी खोटी सुनाने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा? मेरी बेटी का सवाल है लता, समझ रही हो ना तुम? विशाल संभालो अपने आप को, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। मेरा दिल कहता है कि दोनों लड़कियां सही सहमत हो गई। देखो उन दोनों लड़कियों के साथ तुम दोनों थे, अगर कुछ बात हुई है तो बता दो, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं सच पता करने का। सर आप हम लोगों पे शक कर रहे हैं, सर वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स। साहब दोनों बच्चे सच बोल रहे हैं साहब, बहुत परेशान थे ये दोनों, बहुत ढूंढा इन लोगों ने। साहब हम सबसे पूछताछ भी की, क्यों भाई लोग पूछताछ की ना? अच्छा तो फिर हो क्या गया नेहा और अलीशा को, कहाँ गायब हो गई दोनों? मैं तो चाहती भी नहीं थी कि नेहा किसी पिकनिक में जाए, इस बात को लेके मेरी उससे बहुत कहा सुनी हुई, मैंने उससे बहुत भला बुरा कहा, मेरी बच्ची नेहा कहा चले गई, तो मेरी बच्ची। आप लोग अभी अपने अपने घर जाइए प्लीज, जैसे ही इन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है हम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? सर प्लीज हमारे फ्रेंड्स लोगों को ढूंढ दीजिए, वरना बेवजह बहुत बड़ा ब्लेम लग जाएगा। बेवजह है या किसी वजह से, ये तो नेहा और अलीशा के मिलने के बाद ही पता चलेगा, और जब तक ये दोनों मिल नहीं जाते तुम दोनों इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है? हमें तो ये भी नहीं पता कि हम उन दोनों को सही दिशा में ढूंढ भी रहे हैं या नहीं। सारा एरिया ढूंढ लेंगे श्रेया, हमारा तो काम ही है ढूंढना, कभी मुजरिम को तो कभी विक्टिम को। सर इस केस में तो विक्टिम और मुजरिम दोनों को इसी एरिया में ढूंढना पड़ेगा। कुछ कह नहीं सकते निखिल,
हो सकता है मुजरिम यहाँ नहीं कहीं और हो, और ये भी हो सकता है कि मुजरिम हमारी आंखों के सामने ही हो और पहचान नहीं पा रहे हो। सर आप अभी भी उन फैमिलीज पे और उन दोनों दोस्तों पे ही शक कर रहे हैं? क्यों नहीं, हमारे शक के दायरे में तो सभी है। ये क्या? ये रिंग शायद उन दो लड़कियों में से किसी एक का है। हम लोग सही रास्ते पे हैं, यही कहीं होनी चाहिए दोनों। चलो घूम। सर लगता है कोई उन दोनों लड़कियों को यहीं से लेके गया है। चलो देखते हैं। एविडेंस बैग में डालो। सर, सर घसीटने के निशान। अरे हाँ, दो दो निशान है। इसका मतलब वो लोग घसीट के उन लड़कियों को इस तरफ ले गए। इस किले की तरफ। सर, सर वहां पे एक लड़की है। हाँ, क्या सर यहीं पे तो थी? सर कहाँ पर है? नेहा, 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 संभाल के, नेहा, नेहा। सर ये बेहोश। चलो हॉस्पिटल ले चलो, चलिए। डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी बच्ची को, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? देखिए नेहा को बहुत ही गहरा सदमा लगा है। हम लोग वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। सर मुझे नहीं लगता ये कुछ बोल पाने की हालत में, शायद अपनी याददाश्त भी गवा चुकी है। डॉक्टर साहब हमारा इनसे पूछताछ करना बहुत जरूरी है, किसी की जिंदगी का सवाल है। लेकिन सर प्लीज ये रिस्क लेना ठीक नहीं होगा। देखिए अलीशा की जान को खतरा है, सिर्फ नेहा ही बता सकती है वो कहां पे है। प्लीज डॉक्टर। ठीक है आप कोशिश करके देखिए, लेकिन प्लीज ध्यान रहे कि पेशेंट के दिमाग पे ज्यादा बर्डन ना डले। श्योर। नेहा नेहा क्या हुआ था वहां पे, कोर्ट पे क्या हुआ था नेहा? नेहा अलीशा कहाँ है? अलीशा कहाँ है नेहा? अलीशा कहाँ है नेहा? नेहा क्या हुआ था वहां पे? क्या हुआ था नेहा? अलीशा कहाँ है नेहा? अपने भी ऑफिसर। एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज। अलीशा कहाँ है नेहा?
सर सही कुछ कहने की कोशिश कर रही है। नेहा, नेहा क्या हुआ था? नेहा अनिशा कहाँ है? हैं? क्या हुआ था तुम लोगों के साथ? वो फोर्ट। हाँ, फोर्ट? वो पिलर्स। पिलर्स? हाँ, क्या नेहा? अलीशा? अलीशा? हाँ नेहा, कहाँ है अलीशा? अलीशा? इजिप्शियन आइडल? इजिप्शियन आइडल? आइडल? हाँ, इजिप्शियन आइडल क्या? मैंगो ट्री। मैंगो ट्री? नेहा बताओ, नेहा जल्दी बताओ, नेहा अलीशा की जान को खतरा है, बताओ। नेहा, नेहा, मेरे बच्चे। नर्स, इंजेक्शन जल्दी। नेहा। आई, आई। बस ऑफिसर, अब और कोई सवाल नहीं, नहीं तो इसकी जान भी जा सकती है। ओके डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अगर नेहा की कंडीशन में जरा भी सुधार होता है, आप प्लीज हमें इन्फॉर्म करिएगा। श्योर ऑफिसर, मुझे लगता है कि नेहा अगला पिछला सब भूल चुकी है और आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम रेट्रोग्रेड एम्नेसिया। ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसकी याददाश्त कब तक वापस आएगी। ओके डॉक्टर, फिर भी हम अच्छे की उम्मीद तो कर सकते हैं ना? जी, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। ये मैंगो ट्री, इजिप्शियन आइडल और पिलर्स, ये वो लैंडमार्क है जहां पे इनके साथ कुछ हुआ है। शायद ये अलीशा भी वहीं कहीं हो। इस जगह का पता लगाना पड़ेगा। हाँ दया, नेहा यहाँ सामने इस किले से बाहर भाग के आई थी और जिस हालत में थी मुझे लगता नहीं कि ज्यादा दूर से भाग के आई होगी। वो जो कुछ भी बड़बड़ा रही थी, मेरे अंदर से वो यहाँ इस किले के अंदर ही होना चाहिए। सर यहाँ तो चारों तरफ पिलर्स ही पिलर्स हैं। नेहा ने आम के झाड़ के बारे में बोला था और सर इजिप्शियन स्कल्पचर्स भी। ये देखो, इजिप्शियन स्कल्पचर, आम का पेड़ और सर चारों तरफ पिलर्स भी हैं। मतलब यही वो जगह है। सर इस जगह में ऐसा क्या खास है जो नेहा हमें इसके बारे में बता रही थी? कुछ तो खास बात होगी, जरा देखो आसपास। सर ये देखिए रस्सी, सर लगता है यहाँ पे किसी को बांधा गया था। नेहा का जूता, नेहा को बांध के रखा गया था यहाँ पे। सर रस्सी तो एक ही है, इसका मतलब सिर्फ नेहा को बांध के रखा गया था। लेकिन सर ये अलीशा कहाँ गई? लगता है वो मुजरिम अलीशा को कहीं और ले गया है। पर सर ये सब कोई कर क्यों रहा है? आलोक साहब, क्या? ओ नहीं सर, हम लोग अभी भी उसी को ढूंढ रहे हैं। नहीं अभी तो कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है सर, ओके थैंक यू। सर सालों के सर ने कोई नई बात बताई? नेहा के कपड़ों पे नेहा के साथ साथ
अलीशा के खून के छींटे भी मिले हैं। सर, नेहा के कपड़ों पे अलीशा का खून कैसे आया? सर, हो सकता है नेहा ने अलीशा पे हमला किया हो और ये अलीशा डर के कहीं छुप गई हो। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी ने दोनों पे एक साथ हमला किया और बाद में दोनों को अलग अलग जगह ले गया। सर, मुझे तो नेहा पे शक हो रहा है। शायद अलीशा और नेहा के संबंध ठीक नहीं थे और नेहा किसी बहाने जानबूझकर अलीशा को यहाँ ले आई। हाँ सर, और ये नेहा बच के निकल गई। अलीशा का ना अब तक पता चला है ना कोई सुराग। इस नेहा का घर चेक करते हैं, शायद वहां से कुछ पता चल जाए। आप लोग यहाँ अंदर आ सकते हैं? जी आइए, घर की तलाशी लो। तलाशी मेरे घर की? आपको यहाँ क्या मिलेगा? शायद कोई सबूत जिसे ये पता चले कि अलीशा कहाँ है और नेहा जिस हाल में है वो उस हाल में क्यों है। सबूत मेरे घर पे? क्योंकि हमें नेहा के कपड़ों से अलीशा के खून के छींटे मिले हैं। क्या? लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? अब ऐसा है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि नेहा और अलीशा के बीच में कोई झगड़ा किसी बात को लेकर? अन्न क्या बोल रहे हैं आप? वहाँ मेरी बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है और आप एक ही उसे गुनेगार साबित करने में तुले हुए हैं। मैम, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा। पर आपकी बातों से तो यही लग रहा है ना। देखिए मैम, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता तब तक नेहा और उसके आसपास जितने लोग हैं सब शक के दायरे में रहेंगे। सर? हाँ? सर, ऊपर गन है, छुपा कर रखी गई है। गन? गोली गायब है। इस गन का लाइसेंस है आपके पास? जी नहीं सर, ये हमारी गन नहीं है। पता नहीं सर ये यहाँ कैसे आई, हमारे घर में तो कभी कोई गन थी नहीं। ये कमरा नेहा का है ना? जी सर। सर, कॉलेज जाने लड़की को गन की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जाहिर सी बात है, ये गन है, कोई खिलौना तो नहीं है। ये गन किसी के जान लेने के ही काम आती है। अच्छा, आप लोग जरा याद करके बताओ कि पिछले कुछ दिनों में ये नेहा कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी, कुछ बदला हुआ था उसका मिजाज? हाँ सर, नेहा पिछले हफ्ते लगातार 3-4 दिनों से कॉलेज छूटने से पहले ही पता नहीं कहाँ चली जाती थी। सर, वो भी बिना किसी को बताए। तो आप लोगों ने पूछा नहीं उससे कि वो कहाँ जाती थी? सर, मैंने एक दो बार उससे पूछा था पर वो जवाब टाल देती थी, इधर उधर की बातें करने लगती। ये क्या बोल रहे हो बेटा तुम लोग? मैम, आपके घर में ये गन मिली है जिससे शायद एक गोली चली है और आपकी बेटी नेहा कॉलेज से न जाने कहाँ चली जाती है। ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कोई प्लान था। श्रेया, एक काम करो, मोबाइल कंपनी से पता करो कि पिछले कुछ दिनों में ये नेहा कॉलेज से निकल के कहां कहां जाती थी। सर, सर यही गाड़ी रोक दीजिए यहाँ पे। सर, मोबाइल रिकॉर्ड्स के मुताबिक नेहा इस ढाबे पे पिछले हफ्ते 3 बार आई थी। जाहिर सी बात है, चाय नाश्ता करने के लिए तो यहाँ पे आती नहीं होगी, किसी से मिलने ही आती होगी। ढाबे वाले से पूछते। भाई साहब, ये फोटो देखिए, इस लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं। भाई साहब, ये लड़की यहाँ ढाबे में अक्सर आती जाती रहती है, इसे देखा है पहले? हाँ साहब, इसको अपन ने देखा एक दो बार इधर। ठीक से देखो, यही वो लड़की है? अपन को पक्का याद है साहब, यही लड़की है, क्योंकि इतनी टिप-टॉप वाली लड़की इधर कहाँ देखने को मिलती है साहब। अच्छा, ये लड़की यहाँ पे अकेली आती थी या साथ में कोई और भी रहता था? वो अकेली आती थी साहब, वो किसी आदमी के साथ बैठकर घंटों तक बातें किया करती थी। वो दोनों आपस में क्या बात करते थे, सुना कुछ? नहीं साहब। उस आदमी का चेहरा याद है? हाँ साहब। ठीक है, तुम उस आदमी का स्केच बनाओ हमारे लिए। सर,
चार दोस्त पिकनिक मनाने वसई फोर्ट में जाते हैं और उनमें से दो लड़कियां नेहा और अलीशा गायब हो जाती हैं। और थोड़ी देर के बाद ये लड़की नेहा खून से लथपथ जख्मी हालत में हमारे सामने आती है और बेहोश हो जाती है। और नेहा के घर से हमें गन मिलती है, वो भी लोडेड। और नेहा इस दावे में किसी से मिलने के लिए आती है अक्सर। सर, तो स्केच रेडी है। दो ही आदमी है जो वहां भीड़ में खड़ा था। ओह, नेहा और अलीशा के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जरूर इसी आदमी का हाथ है। कौन आ गया भाई इस वक्त? क्या बात है साहब? अलीशा, ये नेहा से मिलने के लिए तो ढाबे में भी जाता था। कौन नेहा साहब? बड़ी जल्दी भूल जाते हो। ये नहीं सर, मैं इस नेहा को नहीं जानता। देख, ये होशियारी बनकर तुझे यहां से उठा के ब्यूरो लेके जाएंगे और वहां पे हम लोग अपनी मेहमान की बहुत खातिरदारी करते हैं। तेरी बॉडी को बहुत तकलीफ होगी। नहीं साहब, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा साहब। साहब वो क्या है कि एक दिन नेहा जी मेरे घर आकर दरवाजा खटखटाने लगी साहब। साहब मैंने भी दरवाजा खोल दिया साहब। जैसे दरवाजा खोला नेहा जी अंदर आके मुझे यहाँ साहब यहाँ पे उन्होंने पिस्तौल लगा दिया साहब। मैं डर गया साहब। उसके बाद नेहा जी ने जो बोला साहब मैंने उनकी बात मान ली। कौन सी बात? जी साहब, वो तिजोरी तोड़ कर कुछ चुराने की। क्या चुराने को कहा था साहब? वो बैग था साहब। अच्छा, उस बैग में क्या था? मुझे नहीं मालूम साहब, वो जैसा था मैंने नेहा जी को दे दिया था साहब। ये तिजोरी कहाँ है? किसी घर में, ऑफिस में या दुकान वुकान में? साहब मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी साहब। साहब मेरी पट्टी जब खुली तो मैं उस कमरे में तिजोरी के पास था साहब। साहब साहब नेहा जी ने मेरे यहाँ पिस्तौल लगाया था साहब। मैं क्या करता, मैंने तिजोरी तोड़ दी साहब। सर काफी प्लानिंग के साथ किया नेहा ने ये सब। मगर ये सब होने के बाद तुमने ये सब बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? और जब वहाँ तुम भीड़ में खड़े थे जब नेहा और अलीशा गायब हो गए, उस वक्त हमें बता सकते थे? अच्छा, इस नेहा ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें इस काम के लिए? 20,000 रुपए साहब। मौत के डर से तुमने किसी की तिजोरी तोड़ डाली और 20,000 रुपए के लिए तुमने अपने मुंह बंद रखा। जान तो तुम्हारी अब भी अटकी हुई है। इतने डंडे पड़ेंगे तुम्हें कि गिनती भूल जाओगे, समझे? साहब, मुझे कुछ मत कीजिए साहब। साहब, मैं कुछ और बात बताता हूँ साहब। अभी सब किश्तों में बताएगा तू? हाँ, पूरी बात एक साथ बता। साहब, मैडम जिस जगह ले गई थी वहाँ पहले से कोई और भी था जिसने दरवाजा खोला साहब। कौन कौन था वो? साहब मेरी आंखों पे तो पट्टी बंधी थी साहब, लेकिन साहब मैंने उसके आवाज पे गौर किया। क्या गौर किया था साहब? वो जब बात करता था तो हकलाता था साहब। हकलाता था? जी साहब। तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा अशोक। शायद अभी भी वो विशाल के घर में ही होगा। चलो ले चलो से। साहब मुझे छोड़ दीजिए साहब। नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। काश आपकी बात सच हो जाए और मेरी बेटी घर वापस आ जाए। हाँ ठीक है, अगर उसका कुछ पता चल जाता है तो मैं आपको बता देती हूँ। पता नहीं अलीशा कहाँ चली गई। मेरी बेटी का कुछ पता चला? जी नहीं। ये विशाल जी कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। और उनके भाई अशोक? क्या हुआ सर? मैं यहाँ हूँ। नेहा के साथ मिलके आपने
किसकी तिजोरी तुड़वाई थी? वो सर विशाल की तिजोरी टूटी थी। अशोक भाई साहब, आप और वो नेहा, आप दोनों ने मिलके ये सब किया। पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। वो नेहा मेरी कुछ कमजोरियां जान गई थी और वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए परसों मैं हम सबके लिए नाइट शो के टिकट लेके आया ताकि हम सब फिल्म देखने जाएं और नेहा या उसका काम कर ले। लेकिन मैंने तो दरवाजे पर ताला लगाया था, फिर नेहा अंदर कैसे घुसी? उसके लिए घर का दरवाजा मैंने ही खोला था। मतलब पिक्चर के दौरान आप नेहा की मदद करने गए थे? हाँ भाभी, लेकिन यकीन मानिए ये सब मैंने मजबूरी में किया था। अच्छा लता जी, आपको तो पता होगा कि तिजोरी के अंदर से क्या गायब हुआ है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता सर, तिजोरी तो विशाल ही संभालते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ जरूरी कागजात गुम हुए हैं, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, वो दोबारा वो कागजात बना लेंगे। मेरी बेटी अलीशा। अशोक जी, नेहा के गुनाह में आपने उसका साथ दिया है, सच्चाई छुपाई है, बचेंगे नहीं आप और ना ही वो नेहा बचेगी। और अभी जो उसके साथ हो रहा है वो भी सब नाटक ही लगता है। अरे नेहा, उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। हाँ, वो इंजेक्शन की वजह से। इंजेक्शन? हाँ, वो डॉक्टर ने तुम्हें हैवी डोज पे रखा था ना, इसीलिए। पर तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें और एक इंजेक्शन देती हूँ जिससे तुम्हें फिर नींद मिल जाएगी। यही वक्त है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा, नहीं तो फंस जाऊंगी मैं। देखिए मिस्टर सिंह, मैंने 5 दिन की दवाइयां लिख दी है, वो टाइम पे लेते रहना और 5 दिन के बाद मुझे फिर से मिलो। ठीक है। यस सर। अभी नेहा की तबीयत कैसी है? सर, उसे नींद का इंजेक्शन दिया है, वो सो रही होगी। हमारा उससे बात करना बहुत जरूरी है अभी। मगर सर, प्लीज जरा देख लीजिए। आइए 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 सर। देखा आप लोगों ने, सो रही है। सर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, चल। एक सिरिंजिया कैसे पड़ी है?
ये नेहा नहीं है। अरे ये तो अस्पताल की नर्स है कोमल, फिर वो पेशेंट कहाँ गई? भाग गई, लगता है नर्स के कपड़े पहन के निकल गई। इसका मतलब सर नेहा अपनी याददाश्त भूलने का नाटक कर रही है। देखो आसपास, हो सकता है हॉस्पिटल में हो, तो भी वॉचमैन से पूछताछ करो जल्दी। मैडम इस आईसीयू की पेशेंट नर्स के कपड़े पहने हुए बाहर गई है, देखा है आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। किसी लड़की को देखा आपने आईसीयू से निकलते हुए? उसने नर्स के कपड़े पहने हुए थे। नहीं देखा सर। ये आईसीयू की पेशेंट नेहा है, वो अभी भी निकली क्या यहाँ से? नो सर। जल्दी कहाँ चल रही? सर इसने बाहर एक नर्स को टैक्सी से जाते हुए देखा। कितनी देर पहले? सर 5-7 मिनट हुआ होगा, आप लोग आए उसके 1-2 मिनट पहले। किस तरफ गई टैक्सी मालूम है? सर बाएं से टैक्सी आई और वो नर्स उसमें बैठकर दाहिने तरफ निकल गई। वो नर्स के यहाँ पे माथे पे चोट लगी थी क्या? जी हाँ। नहीं आई थी, हॉस्पिटल के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी फुटेज देखो, टैक्सी का नंबर निकालो, उसके ड्राइवर से पता चल जाएगा उसने नेहा को कहाँ छोड़ा है। जल्दी करो नेहा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी जल्दी। ये रहा। क्यों निकाला था मेरा बैग तुमने तिजोरी से? आपके करतूतों का पर्दाफाश करने के लिए। रिया मेरी कजन थी, आपने उसे मार दिया। बकवास बंद करो, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता क्या? चलाओ गोली, मुझे डर नहीं लगता। ऐसे ही फंसाया था ना आपने मेरी बहन को, उसकी मासूमियत का फायदा उठाया आपने और फिर उसे मार दिया। झूठ है ये, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अच्छा तो फिर उसकी फोटोज आपकी तिजोरी में क्या कर रही थी? रिया ने मुझे सब कुछ बताया था, मुझे पता है कि वो किसी से मिलती थी, लेकिन वो आप हो ये मुझे नहीं पता था। क्यों मारा आपने मेरी बहन को? वो बहुत ज्यादा स्मार्ट बनने लगी थी तुम्हारी तरह। आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं बोलते कि वो दुनिया के सामने आपकी सारी करतूतें लाने वाली थी, इसीलिए हमेशा के लिए आपने उसका मुंह ही बंद कर दिया। बहुत ज्यादा जान गई हो तुम मेरे बारे में, अब तुम भी जान से जाओगी तुम्हारी बहन रिया की तरह। हाँ। रिया रिया तुम तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मार दोगे और जिंदा बच जाओगे? रिया देखो मुझे कुछ नहीं करना तुम। तुमने मेरी जान बख्शी थी जो मैं तुम्हारी जान बख्शू? सर इसकी आवाज तो कान में बहुत चुभ रही है। चक्कर शेखर भाग रहे हो डॉक्टर शेखर? तुम्हारा आत्मा का खेल खत्म। हाँ मैंने अलीशा का खून किया क्योंकि मैं रिया से बहुत प्यार करता था और ये विशाल इसने मेरी रिया का खून कर दिया। सर मैं इसे बता देना चाहता था कि किसी अपने से बिछुड़ने का दुख क्या होता है,
और इसीलिए तुमने होलोग्राम का इस्तेमाल किया और ये अफवाह फैला दिया कि यहाँ इस किले में रिया की आत्मा भटकती है और वो लोगों का खून करती है। कन्हैया तुम हॉस्पिटल से क्यों भागी? सर, जब हॉस्पिटल में मुझे होश आया तब मुझे वो बैग याद आया जो मैंने विशाल अंकल की तिजोरी से निकाल दिया था और नेहा मुझे हॉस्पिटल के बाहर ही मिल गई। मैं इसे पकड़ कर इस फोर्ट में ले आया ताकि मैं जो सबूत लेके गई थी मैं इसे हासिल कर सकूं। ये है ना तुम्हारा सबूत? जी नेहा, गुनाह तो तुमने भी किया है इसलिए तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। तुम दोनों, तुमने तो खून किए हैं, तुम्हें तो फांसी ही होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।